हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का चैप्टर नंबर 8 जो है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों, इस चैप्टर के जो सिस्टम वाले टॉपिक थे, जैसे कि DSSS सिस्टम हो गया, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम हो गया, इस तरीके के जो सिस्टम थे सारे के सारे, वो मैंने चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले चैप्टर यानी कि क्लास में कवर कर लिए हैं। तो इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ MIS से रिलेटेड टॉपिक्स ही देखेंगे। तो इस चैप्टर की एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों के द्वारा, वीडियोज़ में कमेंट आ रहे थे कि MIS के टॉपिक्स किस क्लास में कवर हैं, जो कि मैंने दोस्तों अभी तक कवर नहीं किए थे। नोट्स दोस्तों हैंड रिटन के पूरे सिलेबस के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MIS क्या है दोस्तों? एकदम सिंपल लैंग्वेज है। चैप्टर की बुक में देखेंगे तो एकदम थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज है, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। और दोस्तों, कुछ आगे आने वाले टाइम में हम लोग क्लासेस अपनी लॉन्च कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हों या प्रोफेशनल के हों। क्लासेस के जो प्राइजेज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम रखे जाएंगे, आपको 2000 से कम प्राइजेज में पर सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड की जाएगी विद नोट्स और 100% एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन मेमोरी टेक्निक के साथ में, और विद उसमें आपके टेस्ट पेपर भी कवर होंगे। तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए वो क्लास लॉन्च की जाएंगी अगस्त सितंबर से। तो देखते हैं MIS क्या है। MIS इज बेसिकली पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फैमिली, यानी कोई फैमिली है। किसकी फैमिली है? इंफॉर्मेशन सिस्टम की। और MIS क्या है? उस फैमिली का एक मेम्बर है, यानी कि एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इट इज ए प्री स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर मैनेजर्स। ये कह रहा है कि ये प्री स्पेसिफाइड, यानी लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया कि कुछ इस तरीके से कोई काम होगा, तो वो उसी काम को रिपोर्ट करने का एक सिस्टम है। क्या करता है MIS का काम क्या होता है? MIS पहले रिपोर्ट, MIS एक्चुअली मैं बेसिक बात करूँ तो MIS होता है एक्सेल की तरह, या फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाए तो टैली बोल सकते हैं। कि टैली क्या है? एक MIS का ही पार्ट है। तो टैली में क्या करते हैं हम लोग? पहले डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब पर डे या पर वीक एंट्री करते रहते हैं, बैंक वगैरह सब कुछ मैच करते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, हम मंथली जैसे हमारी GST रिटर्न जाती है तो हम रिपोर्ट कर देते हैं। तो उस काम को कौन करता है? चाहे तो वो सुपरवाइजर लेवल के पर्सन हो, यानी कि जैसे अकाउंटेंट हो गए, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हो गए, या फिर उससे अपर लेवल के हों। मंथली हमारी GST फाइलिंग होगी और एनुअली हमारी होगी है ITR फाइलिंग होगी है, कंपनी एक्ट के रिगार्डिंग फाइल हो गई है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो जो लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं वो तो टैली में कवर नहीं होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड कवर हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स इन द फॉर्म ऑफ रूटीन रिपोर्ट। ये क्या करती है? मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किस फॉर्म में? रूटीन रिपोर्ट, यानी कि वीकली कितना काम हुआ, पर डे का कितना काम हुआ, उस सब के ऊपर रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी। द मेन पर्पज़ क्या है MIS का? इज टू प्रोवाइड टाइमली स्पेसिफिक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्राइमरली टू मिडल लेवल और टैक्टिकल मैनेजर्स। तो मेन पर्पज़ क्या है? टाइमली स्पेसिफिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। किसको करेगी? मेनली किसको करेगी? मिडल लेवल मैनेजर को। अर्लियर ये कह रहा है कि पहले हिस्ट्री बताई गई है। अर्लियर MIS वाज कंसिडर्ड टू बी ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बट नाउ इट हैज प्लेस्ड एट ए स्पेसिफिक पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि पहले MIS ही सब कुछ होता था, यानी कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझा जाता था, जैसे कि आजकल ERP है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। लेकिन आज के टाइम में और बहुत सारी सिस्टम आने के कारण MIS अब उतना बड़ा नहीं रहा, एक स्पेसिफिक जगह बनाई हुई है अभी भी। ठीक है, नाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है कि MIS क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है, और अब इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम में MIS भी आ जाती है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी आ जाता है, EIS भी आ जाता है, ऑटोमेशन सिस्टम भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अब देखते हैं दोस्तों मेजर पोस्टुलेट्स फीचर्स ऑफ MIS, MIS के क्या क्या फीचर हो सकते हैं। MIS प्रोवाइड पीरियडिक एक्सेप्स एंड डिमांड बेस्ड इंफॉर्मेशन। MIS हैज ए प्री स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट्स। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम
MIS क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन बाय एक्सट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेशनल डाटा। MIS प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और कैसे परफॉर्म कर रही है। MIS provides information about the performance of the organization हो गया है। It support structured decision for operational and tactical planning and control। Structured आपने पढ़ा होगा क्या होते हैं, जो कि it support structured decision for operational and tactical planning and control। Structured decision को सपोर्ट करता है। पर्पज ऑफ MIS क्या है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्पज ऑफ MIS प्रोवाइड्स टू बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू टैक्टिकल लेवल मैनेजर्स फॉर द फॉलोइंग पर्पज, टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टू ऑल द स्टेक होल्डर सच एज एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर, सप्लायर, कस्टमर एक्सेट्रा, टू प्रिपेयर फ्यूचर प्लान फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बेसिस, टू एक्सरसाइज डे टू डे कंट्रोल ऑन वेरियस ऑपरेशन। आगे देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों इवेल्युएशन ऑफ MIS, MIS की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। द कॉन्सेप्ट ऑफ MIS इज क्वाइट ओल्ड, बहुत पुराना है ये। बिफोर द इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर की इन्वेंशन होने से पहले, इट वाज एग्जिस्टेंस इन मैनुअल फॉर्म, पेपर बेस्ड फॉर्म में, पहले रजिस्टर पर जैसे बनाते हैं कुछ लोग अभी भी, उस तरीके से ये काम करता था। बट टुडे द मैनुअल सिस्टम इज टोटली रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा अब मैनुअल सिस्टम को टोटली रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। इट्स इवोल्यूशन इज कंसर्न फ्रॉम फॉलोइंग फोर एरियाज, तो इसकी इवोल्यूशन कहाँ कहाँ से हुई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हुई। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या आ जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ इनकम फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम होता है, कॉस्ट एनालिसिस यूजफुल फॉर मैनेजेरियल कंट्रोल एंड मैनेजेरियल डिसीजन। मैनेजमेंट साइंस और ऑपरेशनल रिसर्च, ये किससे डील करती है, डील्स विद यूज ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा उस पर ये काम करती है। अब देखते हैं दोस्तों मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, इट असिस्ट डिसीजन मेकिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर साइंस कैन बी कंसिडर्ड एज ए मेजर फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट हैज कम एज सिग्निफिकेंट टूल इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। देख सकते हैं दोस्तों इट इज क्वाइट अपेरेंट दैट MIS हैज बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, इट प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू इट्स एग्जीक्यूटिव्स फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आप नोट्स डाउनलोड करके इन क्लास को सिर्फ आप सुन लेंगे, फिर भी आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, पूरे के पूरी क्लास आप सुन सकते हैं। जो लोग एक्चुअली मैराथन क्लास डालते हैं वो भी सारी की सारी क्लास को मर्ज करके डाल देते हैं एक क्लास में, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से ITSE की सारी क्लास ऑल चैप्टर्स पे कवर हैं, तो आप देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ MIS, MIS का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ MIS इज कंसिडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इफ इट पोजेस द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कब MIS का स्ट्रक्चर कॉम्प्रिहेंसिव माना जाएगा, ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ MIS सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इट शुड इंटीग्रेट वेरियस सब सिस्टम्स ऑफ द मैनेजमेंट, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डाटा का डुप्लीकेशन यानी कि जगह जगह स्टोर करने की जगह एक ही जगह स्टोर होना चाहिए और हर जगह जहाँ भी यूजर उसको एक्सेस करे दिख जाए। इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो डिसेमिनेशन यानी फैलाना इन्फॉर्मेशन को यानी रिपोर्टिंग करना है वो इफेक्टिव यानी कि टाइमली होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजर्स, यानी कि जो भी मैनेजर्स की इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है उनको मीट कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर कब माना जाएगा MIS का, जब MIS सब सिस्टम को इंटीग्रेट करके चले, डाटा की डुप्लीकेशन को अवॉइड कर दे, इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो और जो मैनेजर्स की इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर दे। अब है दोस्तों करैक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS, MIS में क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए विद अदर सिस्टम्स,
सब सिस्टम्स, तो इसमें देख आप लिख सकते हैं इंटीग्रेट वेरियस सब सिस्टम्स ऑफ द मैनेजमेंट इंटीग्रेशन, ये अदर सिस्टम से भी इंटीग्रेट करके चलेगा। इन्हेंस प्रोडक्टिविटी एज एंड वैन नीडेड, इसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस यानी बढ़ाया जा सकता है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, इट शुड प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। फ्लैक्सीबिलिटी, इट कैन बी चेंज एज एंड वैन नीडेड। सेलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डाटा, जहाँ से आपने जितना सेलेक्ट किया है वो डाटा आपको प्रोवाइड कर सकता है। कंप्यूटराइज, ये टोटली कंप्यूटराइज फॉर्म में है, तो कहीं भी एक्सेस कर दिया जा सकता है और रिकवर भी किया जा सकता है। दोस्तों, जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS हैं, अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, अदरवाइज अगर ये 4 या 3 मार्क्स में आता है तो आप कॉम्प्रिहेंसिवनेस के आगे इन सब की 5 पॉइंट लिख करके एक एक लाइन इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं मिथ अबाउट MIS, MIS के क्या मिथ हैं। द स्टडी ऑफ MIS इज अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, मोर डाटा एंड रिपोर्ट मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि स्टडी ऑफ MIS इज अबाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का यूज ही क्या है, स्टडी ऑफ MIS है, यानी कि मोर रिपोर्ट इन मोर डाटा एंड रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। बिकॉज जैसे कि आपने देखा होगा, आप जैसे CS कर रहे हैं या CA कर रहे हैं, और कोई बच्चा ग्रेजुएशन लेवल का होगा और आपको कोई बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लो कंपनी एक्ट, और वो भी BCOM वाला बच्चा भी कंपनी एक्ट की बुक पढ़ रहा है, तो वो कहेगा कि यार देखो ये तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं तेरी बुक भी पढ़ सकता हूँ, तो क्या है इसका मतलब, मैं भी CS ईजिली पास कर सकता हूँ अगर मैं एग्ज़ाम दूँ तो। लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम दूँ तो, ये क्या है, उसकी मिथ है। एक्चुअल में ऐसा इतना ईजी नहीं है, क्या उसकी मिथ है। तो इस तरीके से भी MIS की भी मिथ है। अब दोस्तों देखते हैं 3 अप्रोच टू MIS डेवलपमेंट, MIS के डेवलपमेंट करने की, MIS किस तरीके से डेवलप किया जाए, उसकी अप्रोच क्या है। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, मैनेजर्स क्या है, मैनेजर्स जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, पहले कोई डिसीजन लेते हैं कि ये काम इस तरीके से किया जाएगा, उसके बाद उसको लोअर लेवल को देते हैं, लोअर लेवल के पर्सन उसको चेक करते हैं कि ये ओके है या फिर ओके नहीं है। अगर उन्हें ओके नहीं लगता है तो वो कुछ सजेशन देते हैं उसमें इंक्लूड करके, जैसे कि मान लो बर्ड फाइल दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि इस तरीके से काम होगा, और लोअर लेवल को दी, या फिर ऑपरेशन जो टैक्टिकल मैनेजर हैं उनको दी, उन्होंने कुछ चेंज किए और जो चेंज किए उन्होंने हाईलाइट कर दिए, उसके बाद उन्होंने फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी, बोले कि सर हमने ये चेंज किया आप लोग देख लीजिए ओके हैं या फिर नहीं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको जो उन्होंने चेंज किया हाईलाइटेड फॉर्म में उसको देखेंगे, और अगर उन्हें लगता है कि ओके है, अगर उन्हें नहीं लगता तो वो उसमें से कुछ को रख लेंगे और कुछ को हटा देंगे, उसके बाद मैनेजर को फिर से बोलेंगे कि देख लो भी हमने ये किया है, ये ओके है या फिर नहीं। तो ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस होता रहता है, कब तक होता रहता है, जब तक कि फाइनल रिपोर्ट ना बन जाए। 3 अप्रोच टू MIS डेवलपमेंट, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में टॉप डाउन अप्रोच चलती है, कुछ में बॉटम अप चलती है, और कुछ में क्या चलती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच चलती है। तो टॉप डाउन में यह होता है, बॉटम अप में क्या होता है, मैनेजर क्या करते हैं, बोल देते हैं लोअर लेवल को या टैक्टिकल लेवल को कि भाई आप लोग रिपोर्ट बनाओ और हमें दे दो फाइनल करने के लिए, हम लोग चेक करेंगे और अगर वो ओके है तो हम लोग करा देंगे, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने तो हम लोग चेंजेस करेंगे और उसके बाद आपको दिखा देंगे। तो ये होगी बॉटम अप अप्रोच। अब देखते हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ MIS डेवलपमेंट, दिस अप्रोच क्या करती है, परमिट्स मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स टू इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ द सिस्टम। ये क्या करती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या करती है, मैनेजर्स जो ऑल लेवल के हैं उनको परमिशन दे देती है कि भाई आप लोग भी कुछ कुछ डिजाइन करके दो MIS के लिए। द टॉप मैनेजमेंट विल आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ MIS सुटेबल टू द कंसर्नड डिपार्टमेंट, द डिजाइन इज प्रेजेंटेड टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट फॉर दियर व्यूज एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, पहले मैनेजर्स ने अपना अपना वो दिया कि भाई जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, डेवलपमेंट का, रिसर्च का है, तो सबने अपनी अपनी रिपोर्ट बना कर दी अपने अपने डिपार्टमेंट की, टॉप मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी वगैरह ने मर्ज किया और एक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी, उसके बाद उन्होंने मैनेजर्स एंड लोअर लेवल को फिर से दी कि आप लोग देखो। द लोअर लेवल मैनेजर इज परमिटेड टू सजेस्ट चेंजेज एडिशन और डिलीशंस एंड रिटर्न द डिजाइन विद दियर सजेशन टू द टॉप लेवल। तो इसमें भी क्या हो रहा है,
इसमें भी जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारी, इसमें टॉप डाउन और बॉटम डाउन दोनों का यूज हो रहा है एक तरह से दोस्तों। द रिवाइज डिजाइन, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, पहले परमिशन दे दी टैक्टिकल लेवल मैनेजर को, उन्होंने रिपोर्ट अपने अपने डिपार्टमेंट की बना के दे दी, और किसको दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS और CFO वगैरह को, उन्होंने एक कंबाइंड रिपोर्ट दी। उसके बाद कंबाइंड रिपोर्ट बना करके अरेंज करके फिर से लोअर लेवल और टैक्टिकल लेवल को दे दी कि भाई आप लोग देखो चेक करो, और ये प्रोसेस भी रिपीट होता रहेगा कब तक, जब तक एक फाइनल रिपोर्ट ना बन जाए। अब देखते हैं दोस्तों प्री रिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव MIS, यानी इफेक्टिवली MIS किस तरीके से काम करेगा, कब करेगा, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है। ये क्वालिफाइड सिस्टम होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट, क्वालिफाइड मैनेजमेंट एक्सपर्ट आपके पास होने चाहिए, यानी कि MBA वगैरह होते हैं, MIS से MBA भी होता है, स्पेशली BBA भी होता है। डाटाबेस इज कंसोलिडेशन ऑफ मैनी फाइल्स विच कंटेन डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि MIS में एक डाटाबेस भी होना चाहिए, या फिर MIS जब काम करेगा कोई पहले से डाटाबेस हो जो MIS से लिंक कर दिया जाए, सो दैट कि जो भी MIS पे बंदा काम करेगा वो एजेंट वैन नीडेड जो उसको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो उससे ले ले। फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्रेनिंग करने गए या फिर आप एज ए CS किसी कंपनी में अपॉइंट हो गए, तो अपॉइंट होने के बाद या तो आपको पूरा का पूरा एक फोल्डर या डाटाबेस दे दिया जाए उस कंपनी की सारी 4-5 साल की पीछे की फाइलिंग, या जब से कंपनी बनी है तब से फाइलिंग वगैरह, ऑल एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग चेंज जो भी है, अगर आपको इस तरीके से नहीं दी जाती है तो आपको जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपको एक एक मांगनी होगी अपने सीनियर से, अपने कलीग से। तो एक डाटाबेस बना दें जिससे कि जब भी जो रिक्वायरमेंट हो उससे वो अपने अकॉर्डिंग ले सकता है। सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, MIS के लिए टॉप मैनेजमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ MIS, मैनेजमेंट एट ईच लेवल शुड एडवाइज मेथड फॉर इंफॉर्मेशन कंट्रोल मेंटेनेंस ऑफ MIS, द मैनेजमेंट डिस्कवर्स द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम, ये क्या है, इवेल्युएशन ऑफ MIS, एन इफेक्टिव MIS शुड बी कैपेबल ऑफ मीटिंग द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन फ्यूचर एज वेल। अब क्या दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर एंड इट्स इफेक्ट ऑन MIS। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। तो एक हमने देखा मिथ ऑफ MIS जो इम्पोर्टेंट है, और एक है इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ MIS डेवलपमेंट, एक है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ MIS। तो और सबसे इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कंप्यूटर एंड इट्स इफेक्ट ऑन MIS, द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू इंफॉर्मेशन सिस्टम आर इंक्रीज इन स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा। यानी कि अगर हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इफेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डाला, यानी कि जैसे हम रजिस्टर फॉर्म में पहले बनाते थे और अब हमने कंप्यूटर फॉर्म में बनाना कर दिया, शुरू कर दिया, तो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग हमारी बढ़ जाएगी, रिट्रीवल ऑफ डाटा हम मिनटों में ले सकते हैं पेपर बेस्ड फॉर्म के कंपैरिजन में। एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर फॉर्म में हर जगह कहीं भी यूज कर सकते हैं। वाइडेंड स्कोप ऑफ एनालिसिस, स्कोप एनालिसिस हम वाइड तरीके से कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम डिजाइन, ठीक है, सिस्टम को डिजाइन करने में अब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी और होगी भी। इंटीग्रेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन सब सिस्टम, डिफरेंट इंफॉर्मेशन सब सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, स्टोरेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, इन सब की वर्किंग को इंटीग्रेट कर देगा। इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कंप्यूटर एंड इट्स इफेक्ट ऑन MIS अगर आता है तो आप ये 6 पॉइंट उसमें लिख सकते हैं, आपको 100% फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं लिमिटेशन ऑफ MIS, द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ MIS इज बेसिकली गवर्नड बाय द क्वालिटी ऑफ इनपुट एंड प्रोसेस। लिमिटेशन यानी कि डीमेरिट्स MIS के क्या हैं, ये कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ MIS किस पर डिपेंड करती है। ये कह रहा है कि सिर्फ आपकी रिपोर्ट इसलिए अच्छी नहीं होंगी कि आप MIS पे काम करते हैं, MIS के थ्रू आप प्रोवाइड करते हैं डिटेल। क्वालिटी ऑफ आउटपुट किस पर डिपेंड करती है, इनपुट पर डिपेंड करती है, और प्रोसेस उसको किस तरीके से किया गया है उस पर भी डिपेंड करती है। द MIS इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, MIS कोई इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप एक मैनेजमेंट से किसी को हटा दो और MIS पर ही काम कर दो। इट मीन्स इट
कैन नॉट रिप्लेस मैनेजरियल जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। द इफेक्टिवनेस ऑफ MIS इज रिड्यूस्ड इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कल्चर ऑफ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉट शेयरिंग विद अदर्स। दो इफेक्टिव MIS का कल्चर वहाँ पर सूट नहीं करेगा जहाँ पर कल्चर है इन्फॉर्मेशन को रखने का, छुपा कर। जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह की होगी, आपने आपने देखा होगा कुछ जो सीनियर होते हैं वो कोई अच्छा काम आता है, बड़ा काम आता है, जैसे FCGPR फाइलिंग हो गई या कन्वर्जन का कोई काम हो गया, तो वो खुद ले लेते हैं, उनके ड्राफ्ट नहीं देते। अगर बॉस आपको डायरेक्ट भी दे देगा तो उनके ड्राफ्ट खुद से नहीं देते हैं, आपको कह देंगे नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मैंने किया तो था लेकिन सर के पास होंगे ड्राफ्ट, तो आप फिर सर को बोलते हैं। इस तरीके का अगर सिस्टम है तो MIS अच्छी तरह से काम नहीं करता है। MIS कैन नॉट प्रोवाइड टेलर मेड इन्फॉर्मेशन पैकेज, यानी कि जिस तरीके से हमें चाहिए स्पेसिफाइड, यानी कि मुझे चाहिए कि एकदम फटाफट कोई भी पर्टिकुलर किसी चीज़ पर चाहिए, तो इतना ज़्यादा टेलर मेड नहीं होता हो सकता, बिकॉज इसमें क्या है प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड होते हैं, तो उन स्टैंडर्ड के बेस पे ज़्यादातर काम करता है। टेलर मेड भी प्रोवाइड कर देता है लेकिन 100% नहीं प्रोवाइड करेगा। MIS इफेक्टिवनेस डिक्रीजेज ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेज इन टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल टीम। ये कह रहा है कि MIS की इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाएगी अगर हमारे मैनेजमेंट में चेंज हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बार बार आ जा रहे हैं, स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है और ऑपरेशनल टीम भी सेम नहीं है, बार बार उसमें भी चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी MIS की क्लास, आई होप आपको सही क्लियर हो गया होगा। नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए और रिविजन कीजिए। आफ्टर एग्जाम मुझे कमेंट ज़रूर करना कि किस तरीके से हेल्पफुल हुई।